और भाई साहब मेरे निब्बा निबियों क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? होपफुली आप ठीक ठाक होंगे। निब्बे बहुत सारे हो चुके हैं, निबियों का पता नहीं, चैनल रेशो तो कुछ नहीं बता रहा मुझे। भाई साहब आज जो आप लोग एपिसोड देखने आए हो वो है भाई साहब AMD के ग्राफिक कार्ड और उनकी कीमतें। आज हम उन कीमतों के ऊपर बातें करेंगे और भाई साहब जानेंगे कि हमारे जो AMD के ग्राफिक कार्ड हैं वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं, उनकी नई प्राइसेस क्या हैं, और अगर आप कोई PC बिल्ड करवाने लगे हैं तो उसके अंदर आपको कितने को मालियत का ग्राफिक कार्ड कितने का पड़ेगा। इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। मैं हूँ आपका होस्ट अरहम रसूल। विदाउट एनी बकबक लेट्स स्टार्ट ऑफ आवर एपिसोड। भाई साहब इस टाइम लिस्ट मेरे सामने आ चुकी है और लिस्ट के अंदर भाई साहब हमारे पास सबसे पहला ग्राफिक कार्ड है हमारा AMD का HD 7470, जो कि आपको अराउंड इस टाइम मार्केट में 4000 रुपये का तक मिल जाएगा। और ये सारे जो ग्राफिक कार्ड है बता रहे हैं 1GB वेरियंट के अंदर लाई करते हैं, और अगर आप लोग कोई छोटी बिल्ड बनवा रहे हो 10,000, 15,000, 20,000 की, तो उसके अंदर आप इन सब ग्राफिक कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। अजीब पैन की हुई पड़ी मेरे साथ। खैर, भाई साहब आज का जो ग्राफिक कार्ड हमारा पहले वो है 7470, जो कि 4000 रुपये का है। उसके बाद इसका एक भाई आता है 7570, जो कि थोड़ा सा इसमें बिट्स के अंदर थोड़ा शेडर्स में इजाफा है उसके, तो वो आपको अभी सेम ही प्राइस में मिलेगा 4,000 से 5,000 के अंदर। उसके साथ ही साथ एक और ग्राफिक कार्ड है AMD HD 7750, जो कि आपको 5,000 से 6,000 रुपीज़ का मिलेगा, 7750 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद एक और ग्राफिक कार्ड जो कि अब 2GB वेरिएंट के अंदर है वो आपको मिलेगा भाई साहब AMD HD 7850, जिसकी प्राइस अराउंड इस टाइम 15,000 रुपये है, जो कि क्वाइट इक्वलेंट भी 7020 Ti के। अब ऑब्वियसली जो AMD यूज़ करते हैं उन्हें थोड़ा प्रेफरेंस AMD की रहती है, और जो NVIDIA यूज़ करते हैं वो NVIDIA को ही प्रेफर करते हैं। ये जो 8760X है ये है भाई साहब 2GB का वेरिएंट, और ये काफ़ी ज़्यादा हमारी बिल्ड्स वगैरह के अंदर यूज़ होता है। जो भी हमारी सस्ती बिल्ड्स होती हैं लाइक 20,000-25,000 वाली या फिर 30,000-40,000 वाली, इतने के अराउंड ही हमारा यूज़ होता है, तो थोड़ा मार्केट के अंदर कम ही मिलता है। तो इसकी जो प्राइस है वो अराउंड है 14,000 से 15,000 रुपये। इसी के एक दो भाई आते हैं R9270X, R9280X, R9370X। ये जो ग्राफिक कार्ड्स हैं ये जो तीनों चारों वेरिएंट्स हैं यही 15,000, 20,000, 15,000, 20,000 की वेरिएंट के अंदर आते हैं। एकदम फिर से मैं कॉल आउट करता हूँ, R70260X, R9270X, R9280X और R9370X। ये 4-5 वेरिएंट्स हैं इसके, जो कि आपको अराउंड 22,000, 20,000, 15,000 इसी के अराउंड मिलेंगे आपको। मैंने इन सबका इकट्ठा नाम ले लिया, ये सारे 2GB वेरिएंट है, तो आप लोग चाहें तो अपनी बिल्ड्स के अंदर ना यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक और वेरिएंट आ जाता है हमारे पास 2GB RX 550। इसका एक 4GB वेरिएंट भी आता है, 2GB भी आता है, तो दोनों के प्राइस में बताता हूँ। जो 2GB वेरिएंट है इस टाइम 15,000 से 16,000 रुपये का आपको मिलेगा मार्केट के अंदर। ये सब प्राइस लेते हुए मुझे थोड़ा सा दुख तो होता है, लाइक कब भी मैं ये प्राइसेस 8,000-7,000 बताया करता था और आज 15,000 से 16,000 बता रहा हूँ। खैर क्या ही कर सकते हैं हम। अब हम आगे चलते हैं अब अपनी 4GB के ऊपर। 4GB RX 550 आपको मिलेगा 24,000 से 25,000 रुपये का। क्या कहूँ भाई, मजबूरी है, मैं अब अकेला तो कुछ करने से रहा, या मैं मुफ्त में ग्राफिक कार्ड तो बांट नहीं सकता बिकॉज मिस्टर बीस्ट में हूँ नहीं। तो ये आपको मिलेगा अराउंड 25,000 रुपये तक का 4GB वेरिएंट। उसके बाद एक और ग्राफिक कार्ड जो RX 560, जो कि काफ़ी ज़्यादा मशहूर है हमारी कम्युनिटी के अंदर, कॉमी कार्ड भी कह सकते थे। इसका जो 2GB वेरिएंट है इस टाइम अराउंड मार्केट में 17,000 से 18,000 रुपये तक का है। 17,000 से 18,000 आई थिंक 560 के देने ठीक है, 750 Ti भी तो ले ही रहे थे ना, इसके थोड़े शेडर ज़्यादा हैं। इसी के साथ एक और वेरिएंट आता है 460 RX 460, 2GB वेरिएंट। ये आपको 15,000-16,000 रुपये का मिलेगा, 14 का भी मिल सकता है, 13 का भी मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन क्या आप सर्चिंग किस तरह करते हो अपनी। उसके बाद अगला वेरिएंट आ जाता है हमारे पास 4GB वेरिएंट्स आ जाते हैं। अब हमारे स्टार्ट हो रहे हैं 4GB वेरिएंट्स। 4GB वेरिएंट्स के अंदर भाई साहब आपके पास RX 560 है 4GB वाला, जो कि आपको 25,000 से 30,000 के मिलेगा, 25, 26, 27 से 30, लाइक ये रेशो रहेगी आपकी प्राइसेस की ना। तो आप देख सकते हो कि आपको क्या चीज़ सूट करती है, उसी हिसाब से आप इस चीज़ को सेटल अप कर सकते हो। नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड है भाई साहब RX 460 4GB जो आपको मिलेगा 27,000 से 26,000 रुपये का मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड है भाई साहब 4GB का RX 570 नाइट्रो सफायर एडिशन, जो कि इस टाइम आपको 4GB का नाइट्रो सफारी एडिशन मिलेगा 35,000 से 40,000 रुपये का, जो कि मैं इस टाइम यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मैंने 20,000 का लिया था 1.5 साल पहले, और अब इसकी प्राइस हो चुकी है भाई साहब 35,000 से 40,000 रुपये, अनफॉर्चुनेटली आई वुड से। और बाकी अब स्कैल्पर्स और जो हमारे माइनर्स हैं उन्हें मैं क्या ही कह सकता हूँ, अल्लाह ही हदायत दे उन्हें। ये भाई साहब हमारे रेट हो चुके हैं 35,000 से 40,000 नाइट्रो सफारी 570 का 4GB वेरियंट का। अब आ जाते हैं हम 4GB ऑफ RX 470, जो कि XFX एडिशन कह लें या कोई भी कह लें, नाइट्रो सफायर भी हो सकता है। ये भी आपको 30,000 से 32,000 रुपये का मिलेगा, 32,000 का मिलेगा। अब वो भी किस्मत है, कुछ लोग तो 25 का भी खरीद चुके हैं मेरे दोस्त पिछले दिनों में, डिपेंडिंग अपॉन टू योर लक
एंड द मेहनत यू पुट इन बट थैक। सो भाई साहब नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड है भाई साहब 4GB का RX 580 और इसी का एक 580 जो कि 8GB वेरियंट के अंदर भी आता है। 4GB RX 580 आपको 40,000 का भी नहीं, 45,000 का भी नहीं, पूरे 50,000 रुपये का मिलेगा आपको। और आई डोंट नो वाई, क्यों, 4GB ही तो है, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई साहब, गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा। सो ये आपको मिलेगा भाई साहब 50,000 रुपये का। उसके साथ ही साथ एक आखिरी वर्जन जो हमारा आ चुका है 8GB RX 580। अब ऑब्वियसली काफ़ी सारे लोगों को ट्रोल भी होते हैं, लेकिन अब हमें इस चीज़ का आदि होना जाना चाहिए और हकीकत से आशना हो जाना चाहिए कि भाई साहब ये ग्राफिक कार्ड 70,000 से 80,000 रुपये तक का है इस टाइम, अनफॉर्चुनेटली है ऐसा। सो भाई साहब ये थे आज के हमारे AMD के ग्राफिक कार्ड्स और होपफुली आप लोगों को आज की प्राइस लिस्ट समझ आ चुकी होगी। मैं ट्राई करूंगा कि मैं सारे जो हैं उन्हें टाइम लैप्स के अंदर और कुछ करके टाइम स्टैम्प्स में डाल सकूं ताकि आप लोगों को और आसानी हो जाए। सो भाई साहब ये था आज का हमारा एपिसोड ऑफ AMD ग्राफिक कार्ड एंड देयर प्राइसेस। सो आई थिंक आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, एज आई एम योर होस्ट अरमसूल, एयर आउट।